Hello guys, welcome to GK Basket. I'm Keshav with you all. Guys, current affairs का जो एक topic चल रहा है Bru Tribes, अभी news में भी था और आप लोगों ने newspaper में भी पढ़ा होगा Bru Tribes के बारे में. अभी अभी recently यानी कल एक agreement भी हुआ है Bru Tribes के settlement के लिए. तो हमें समझना होगा कि ये Bru Tribes क्या है, ये Bru Tribes कहाँ पाई जाती हैं, इन सब चीजों को हमें जानना होगा, राइट? तो आज हम Bru Tribes के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? Bru Tribes से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे. तो ये तीन तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं करंट अफेयर्स से. हु आर Bru Tribes, वाई दे वर इन न्यूज, एंड व्हाट डेवलपमेंट्स आर डन बाई द गवर्नमेंट to short out the issues regarding to them. यानी Bru Tribes क्या है, वो न्यूज में क्यों थे और रिसेंटली सरकार ने उनसे संबंधित जो विवाद है उनको सुलझाने के लिए क्या किया, राइट? तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जीके बास्केट जो चैनल है ये आपको डेली इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर से जुड़ी हुई वीडियोज आपको यहां पर मिलेंगी. तो आप लोग जीके वास्क चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको शेयर जरूर कीजिएगा. तो हम लोग देखते हैं, आते हैं हु आर Bru Tribes. आप यहां पर देख सकते हो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये जो आपको मैप दिख रहा है, इस मैप में आप यहां पर देखते हो कि आपको थ्री स्टेट्स दिख रहा होगा, एक त्रिपुरा, एक मिजोरम और ये असम. These all are called seven sisters, but here three states in the south of northeastern states, right? The south part of the northeastern state, Tripura, Mizoram, and Assam. तो जो Bru Tribes है, ये Bru Tribes Assam, Mizoram और Tripura में रहने वाली जनजातियां हैं, जिनको हम Bru बोलते हैं और जिनको Riang भी जाना जाता है. तो इनके दो नाम, एक Riang भी है, एक Bru भी है. ये दोनों चीजें एग्जाम के पर्पज से जरूरी है समझना. तो Bru Tribes कहां रहता है, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम. यहां पर ये तीन जगहों पर Bru Tribes पाया जाता है, लेकिन इससे संबंधित चीजें हम लोग देखते हैं. तो आखिर क्या इश्यू था, क्यों Bru Tribes न्यूज में आए, तो इनसे संबंधित कुछ चीजें आपको समझनी होगी. जो Bru Tribes थे वो स्पेशली मिजोरम में रहने वाली जनजातियों के नाम. एक जनजाति है जो कहां रहती है, मिजोरम. लेकिन इन 1995 जो मिजोरम है वहां का एक स्टूडेंट यूनियन जिसका नाम है मिजो जिरलई पॉल, एक स्टूडेंट यूनियन जिसने विरोध किया और कहा कि जो Bru Tribe है वो Bru Tribe मिजोरम का इंडिजिनस ट्राइब नहीं है, ये नॉन इंडिजिनस है और इसका इलेक्टोरल रोल में यानी जो वहां के निर्वाचन होते हैं उसमें भूमिका नहीं होनी चाहिए, इनको निर्वाचन से अलग किया जाना चाहिए. जब इस तरीके के वहां पर इश्यूज उठने लगे तो इसी Bru Tribe जो है उसका नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, इन लोगों ने एक आर्म मूवमेंट स्टार्ट किया. और आर्म मूवमेंट स्टार्ट किया तो एक दंपा, ठीक है, दंपा क्या है, एक टाइगर रिजर्व है, वहां के एक फॉरेस्ट ऑफिशियल को मार दिया और इसके बाद कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई और एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट वहां पर हो गया. कहां पर, मिजोरम में. तो यहां पर आप देख रहे हो कि 21 अक्टूबर 1997 को वहां पर एक ऑफिशियल जो फॉरेस्ट ऑफिशियल था ही वॉज किल्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट Bru नेशनल लिबरेशन फ्रंट एंड it led to a grand conflict between the other tribes of the Mizoram and Bru Tribes. तो Bru Tribes और other tribes के बीच में, यानी जो मिजोरम की जनजातियां हैं, जो इंडिजिनस जनजातियां हैं, उनके बीच में और Bru के बीच में क्या हुआ, एक कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. और इसी कंफ्लिक्ट के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को वहां पर उनके घर जला दिए गए Bru Tribes के, उनको फोर्सफुली वहां से निकाला गया. तो कम से कम 40,000 के लगभग Bru Tribes कहां से, मिजोरम से कहां की ओर,
त्रिपुरा की ओर भाग गए। तो आज जो आप मैटर सुन रहे हो, आज जो आप इश्यू सुन रहे हो, वो त्रिपुरा मिजोरम दोनों स्टेट से जुड़ा हुआ इश्यूज है। तो बहुत सारे जो ब्रु ट्राइब्स थे वो नॉर्थ त्रिपुरा में सिक्स रिलीफ कैंप्स बनाए गए। उन सिक्स रिलीफ कैंप में इनको रखा गया, जो लगभग 40,000 के करीब जो ट्राइब्स थे। और कहां पर? ये कंचनपुर एंड पानी सागर, ये सब डिवीजन है कहां के? त्रिपुरा के। और वहां पर इनको रखा गया। तो मामला यहां तक पहुंचा, किस तरीके से कंफ्लिक्ट हुआ, किस तरीके से ब्रु ट्राइब मिजोरम से त्रिपुरा की ओर प्रतिस्थापित एंड डिस्प्लेसमेंट किए गए। अब आगे की कहानी और भी इंटरेस्टेड है कि ये अभी अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों थे। इस ब्रु ट्राइब्स का जो इश्यूज है वो 1997 से चलता चला आ रहा था, और सरकार ने इनके सेटलमेंट के लिए कई सारे उपाय किए। यदि सरकार ने अभी तक 9 अटेम्प्ट्स किए, और कई सारा सरकार ने फंड इनके सेटलमेंट के लिए, इनकी आजीविका के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने समय समय पर दिया है। अब ये न्यूज में क्यों थे, तो इस चीज को हमें समझना होगा। इन 1997 में ब्रु पॉपुलेशन जो त्रिपुरा चली गई थी, उससे बहुत ज्यादा वायलेंट क्लैशेज हुए। कहां पे? मिजो पॉपुलेशन, क्योंकि कुछ लोग तो कहां भाग गए, कुछ लोग त्रिपुरा चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी कहां थे? मिजोरम। तो कुछ ब्रु ट्राइब्स मिजोरम में रह रही हैं और कुछ त्रिपुरा में रह रही हैं। अब मिजोरम में वहां की जनजातियों और इन ब्रु ट्राइब्स की बची हुई ब्रु ट्राइब्स हैं, इनके बीच में क्या होना चाहिए, क्या क्लैश होना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जो वेस्टर्न मिजोरम में जो ब्रु ट्राइब्स हैं, उन लोगों का कहना है कि हमको एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाओ, क्योंकि सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आपने सुना होगा सिक्स शेड्यूल में, समझे ना, इन चार स्टेट्स की बात होती है। उन चार स्टेट्स की जो ट्राइब्स हैं, उनके प्रोटेक्शन का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरकार को कुछ ना कुछ कानून बनाना चाहिए। अब बात क्या थी, ये तो मिजोरम की बात हुई, बात है त्रिपुरा की बात समझते हैं। ये क्या हुआ कि तब से मामला चला आ रहा था, सरकार ने कई सारे प्रयत्न किए इस तरीके के इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर सरकार ने एक और 9th रिपैट्रिएशन अटेम्प्ट किया। ये अटेम्प्ट स्टार्ट हुआ, और इसमें जो सरकार ने जो ट्राइब्स है उनकी फूड और गैस सप्लाई को स्टॉप कर दिया। यानी अक्टूबर महीने में 2019 में इनसे बोला सेटलमेंट के लिए, कई सारे सरकार के एग्रीमेंट हुए इससे पहले भी, और बोला गया कि आप प्रस्थान कीजिए, आप मिजोरम जाइए। लेकिन कुछ परिवार मिजोरम चले गए, लेकिन कुछ ने अभी भी विरोध किया, और फिर सरकार ने बोल दिया, इनको डेडलाइन दे दी कि 30 सितंबर डेडलाइन है, आप चाहो तो मिजोरम जा सकते हो। उसके बाद सरकार ने जब देखा कि अभी भी विरोध हो रहा है, तो ट्राइब्स की फूड एंड गैस सप्लाई को स्टॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद On 3rd October, the Union Home Ministry started a round of talks with the state government of Mizoram and Tripura to legitimize the 30,000 odd refugees. यानी 40,000 जो आए थे, 10,000 तो जा चुके, लेकिन अभी भी 30,000 लोग ऐसे थे, इनसे जुड़े हुए मामले को शॉर्ट आउट करने के लिए त्रिपुरा, मिजोरम और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बीच में कई तरीके की बातचीत हुई। और इन नवंबर जब देखा कि इस तरीके से अभी भी फूड सप्लाई और कैश दोनों सरकार ने स्टॉप करके रखा है, तो जो ब्रु रिफ्यूजी थे त्रिपुरा में, उन्होंने नॉर्थ त्रिपुरा में ब्लॉक्ड कर दिया जो कॉरिडोर था। अब इस तरीके की वायलेंस को रोकने के लिए, इस तरीके के कंडीशन से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने रिस्टोर किया उनके फूड और गैस बेनिफिट्स। अब आगे की कहानी क्या है उसको समझे। यहां तक बात हो गई कि नवंबर तक में क्या कुछ हुआ है, आपने समझ लिया। लेकिन सरकार ने अभी भी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स किए इस समस्या से शॉर्ट आउट करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इसने 2015 में इन ब्रु ट्राइब्स के सेटलमेंट के लिए 435 करोड़ पहुंचाया, ताकि इन लोगों का सेटलमेंट हो सके, ताकि ये जो ब्रु ट्राइब्स हैं ये मिजोरम जाके अपना सेटलमेंट बनाए और इस तरीके की जो समस्या आ रही है उससे निपटा जाए। फिर सेंटर्स ने अभी अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में चार पार्टी थी, एक त्रिपुरा,
त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट, मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक ब्रू डिस्प्लेस पीपल्स फोरम। इन चारों लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया और जिसमें बोला गया कि करीब करीब जो 32,876 मेंबर्स ब्रू फैमिली के, उन लोग को त्रिपुरा में ही सेटलमेंट दिया जाए, यानी उन्हें मिजोरम जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें त्रिपुरा में ही सेटलमेंट लिया जाए। और इसमें आप देख सकते हो कि क्या किया गया कि वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 4 लाख इन फिक्स्ड डिपॉजिट विद अ मंथ ऑफ रिपैट्रिएशन, मंथली असिस्टेंस ऑफ रुपए 5,000 थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और फ्री राशन फॉर 2 ईयर्स और 1.5 लाख इन 3 इंस्टॉलमेंट फॉर बिल्डिंग हाउसेस। यानी त्रिपुरा गवर्नमेंट को लैंड देगी और वहां पर ये लोग रहेंगे। तो यहां पर आप पूरी कहानी समझ सकते हो कि इस एग्रीमेंट में क्या कुछ हुआ, राइट? अब यहां पर आगे देखना है आपको, यहां पर पूरा समझ में आया कि किस तरीके से समस्या को शॉर्ट आउट किया गया। यानी इन लोगों को 4 लाख रुपए फिक्स में चाहिए एक परिवार को, 5,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से चाहिए, ठीक है, किसके लिए, राशन के लिए, ठीक है, और कब तक, 2 साल तक, और साथ में 1.5 लाख रुपए जो इनके हाउस बिल्डअप होंगे उनको 3 इंस्टॉलमेंट में देना होगा। तो ये जो अभी रिसेंटली पैक्ट है या एग्रीमेंट है ये साइन किया गया इन लोगों के बीच में, राइट? तो यहां तक पूरी बात समझ में आई कि क्या ब्रू ट्राइब्स था, क्या मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में इशू चल रहा था, कैसे एक ब्रू ट्राइब्स मिजोरम से त्रिपुरा पे त्रिपुरा आने, किस तरीके के क्लैश, किस तरीके के कंफ्लिक्ट रेज हुए। चलो तो अब ये त्रिपुरा, मिजोरम, असम, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो त्रिपुरा का सीएम बिप्लव कुमार देव, ये बंडे एग्जाम में सिंपल सी चीजें हैं। मिजोरम का सीएम जोरम थांगा। मिजोरम में जो नेशनल पार्क है पूछा सकता है, और दंपा नेशनल, दंपा टाइगर रिजर्व, क्यों? क्योंकि यहां के जो ऑफिशियल था उस ऑफिशियल को किल किया गया था ब्रू ट्राइब्स के द्वारा। और फांगपी मुरलेन, ये 2 नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व है। असम में आपको अच्छे से पता होगा भारत का सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड कहां पे, असम में है, जिसका नाम है मजोली, ब्रह्मपुत्र रिवर में है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा जो ब्रू ट्राइब्स है उनसे रिलेटेड जो भी इशू चल रहा है वो इशू समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट को मैंने समझाया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो मोरल सपोर्ट है ये मेरा मोरल बढ़ाता है। एंड आपको ऐसे ही कई सारे हॉट इश्यूज मैं आपको देता रहूंगा इन करंट अफेयर्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं हम लोग कल से इंडियन पॉलिटी के साथ में, ज्योग्राफी के साथ में, साथ में करंट अफेयर्स के साथ में, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।